नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं ऋषा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। पेट्रोल डीजल के दाम में आज फिर बढ़ोतरी, दिल्ली में दोनों 35 पैसे हुआ महंगा। राहुल द्रविड़ का टीम इंडिया का कोच बनने का लगभग तय, T20 वर्ल्ड कप के बाद संभालेंगे पद। IPL में चेन्नई को चौथी बार खिताब पर कब्जा, KKR को 27 रनों से दी मात। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव सरकार पर निशाना, कहा बीजेपी महाराष्ट्र को कभी बंगाल नहीं बनने देगी। देश में आज कोरोना के 15,981 नए मामले आए सामने, 167 लोगों की हुई मौत। निगम एवं संकल्प द्वारा संयुक्त रूप से 6 स्थानों पर टीकाकरण केंद्र, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस और विजयादशमी के अवसर पर आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, तथागत गौतम बुद्ध का विश्व शांति संदेश और साथ ही पंचशील का दर्शन विश्व का मार्गदर्शन करता। शनिवार को जिले में एक भी कोरोना मरीज नहीं आया सामने, वही किसी कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी रहा शून्य पर। शार्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ दर्ज कराई FIR, लगाए गंभीर आरोप। शहर में सादगी से मनाई गई विजयादशमी, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर दीक्षा भूमि में तगड़ा बंदोबस्त। BCN न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।